इतनी जल्दी लेटर ए सीख लिया, तो चलो अब लेटर बी सीखते हैं। हरे कृष्णा, वेलकम टू बाल गोपाल गुरुकुल, एंड आई एम वृंदा। हम देखेंगे परंपरा, हम सीखेंगे परंपरा, मस्ती करेंगे परंपरा, इन गुरुकुल, इन गुरुकुल। देखो गुरुकुल, बने सुपरकुल। सो हम स्टार्ट करेंगे विद लेटर बी। दिस इज कैपिटल बी, मम्मा बी। दिस इज बेबी बी, लोअर केस बी। बी फॉर बॉल, ब्लू बॉल। इसका कलर क्या है? ब्लू। बी फॉर बॉल, बी ए एल एल, बॉल। मैं इसके साथ अपने भाई के साथ खेल रही थी। ओ जगन्नाथ, इधर आओ। ये है मेरा भाई जगन्नाथ, ही इज अ बॉय। बॉय, बी फॉर बॉय, बी ओ वाय, बॉय। बॉय गर्ल, गर्ल बॉय। ही इज अ नॉटी बॉय। सो व्हाट एल्स वी कैन लर्न फ्रॉम बी? B for boat, B for boat, B O A T, boat। आपको पता है boat हमारे किस काम आती है? When we cannot swim, we have to go in the boat। So मेरा मन भी कर रहा है कि उस पार चलते हैं यमुना जी के, तो हमें boat से जाना पड़ेगा क्योंकि हमें swimming तो आती नहीं है। क्या आप कभी बोट में बैठे हो? तो चलो आज बैठते हैं। पर मैं अकेली बैठूंगी क्या बोट पे? नहीं नहीं, मैं अकेली तो नहीं बैठती कहीं पे भी। ओह मेरे क्यूट क्यूट वाले फ्रेंड्स कहाँ हैं? चलो देखें कहाँ हैं। ये देखो आज मेरे साथ कौन आए हैं? ये है कृष्णा और बलराम। ये दोनों भी ब्रदर्स हैं। कृष्णा बलराम, कृष्णा बलराम। कृष्णा का कलर ब्लू है, और हाँ आज तो वो अपने न्यू बास्केट में आए हैं, गोल्डन गोल्डन बास्केट। बी फॉर बास्केट, बी ए एस के ई टी, बास्केट। तो कृष्णा का कलर है ब्लू और बलराम जी का कलर है वाइट। तो चलो इन्हें भी बोट में लेके चलते हैं। ये बोट में कुछ कमी है, ये बोट इतनी अच्छी नहीं लग रही। और किसको लेके जाया हम? कृष्णा और बलराम जी बोट में जा रहे हैं तो बोट थोड़ी सुंदर होने चाहिए। तो चलो जग्गू की हेल्प लेके इसे डेकोरेट करते हैं। जगन्नाथ मेरी हेल्प करो बोट डेकोरेट करने में। जगन्नाथ की अब मेरी हेल्प करोगे? मुझे ना बोट डेकोरेट करनी है। B for bag, B A G, bags। So let's check जगन्नाथ के बैग में क्या मिलता है। और वैसे भी जगन्नाथ तो इतना सारा आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं, उसके बैग में तो कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा। चलो देखते हैं। इससे क्या डेकोरेशन होगी, ये तो बस एक कैप है। चलो दूसरी जिप में देखते हैं क्या निकलता है। इसमें क्या है? वाओ, पानी की बॉटल। मुझे तो बहुत प्यास लग रही थी। ओ वाओ, बी फॉर बॉटल, बी ओ टी टी एल ई, बॉटल। तो चलो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं।
आपको पानी पीना है क्या जगन्नाथ? लो पी लो, ऊपर से पीना। लेकिन चलो देखें नेक्स्ट डिप, लास्ट डिप में क्या मिलता है। देखो देखो मुझे क्या मिला, मैंने कहा था ना जग्गू के बैग में से कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। ये है बैलून, इससे हम डेकोरेट करेंगे अपनी बोट को। बी फॉर बैलून, बी ए एल एल ओ ओ एन, बैलून। तो चलो जगन्नाथ, मेरे को बैलून फुलाने में हेल्प करोगे क्या? ये देखो ये है ब्लू बलून, बी फॉर ब्लू। नॉट्स लग गए, मैंने नॉट भी लगा दी। चलो और बलून फुलाती हूँ एक। मैं तो थक गई। ये है येलो बलून और ये है पिंक बैलून। दूर मत भागो। नहीं बच जाओ, रोको जगन्नाथ, रोको उसे। थैंक यू जगन्नाथ। इन सब बलून्स पे व्हाइट स्पॉट्स है, व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स। फिर से भाग गया जगन्नाथ। तो चलो चलते हैं जगन्नाथ बोट में। अब तो हमारी कृष्ण बलराम भी रेडी है, आप भी रेडी हो, मैं भी रेडी हूँ, और अब तो हमारी बोट भी डेकोरेट हो गई है। देखो हमारी बोट कितनी सुंदर लग रही है। ये कौन है? ये है बोटमैन, बी फॉर बोटमैन। जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाता है वैसे बोटमैन बोट को चलाता है। तो चलो चलते हैं बोट में बैठेंगे, आज तो बहुत मजा आएगा बोट में। हरे कृष्णा, राधे राधे, उस पार लेके जाओगे हमें? तो चलो चले बोट में। कितनी मस्त बोट है ये तो, वाओ। वाओ, ये वाला ब्लू बलून कृष्ण बलराम के लिए। कृष्ण बलराम, बोट हिल रही है, वाओ, मजा आ रहा है ना जगन्नाथ? देखो मेरी बोट कितनी सुंदर लग रही है ना, इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बलून और इतने सुंदर सुंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह के रोजेस, कितनी प्यारी लग रही है ना मेरी बोट। मजा आ रहा है ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बोट में बैठे हैं हम और यमुना जी भी है यहाँ पे। तो अच्छा क्या 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 कुछ बोल रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ। ओके, कृष्णा बलराम बोल रहे हैं कि उन्हें भूख लगी है। तो चलो देखें हमारे पास क्या है खाने के लिए। वाओ, देखो मुझे क्या मिला, दिस इज बनाना, बी फॉर बनाना, बी ए एन ए एन ए, बनाना। तो चलो कृष्णा को ऑफर करते हैं, वन फॉर कृष्णा वन फॉर बलराम जी। मैं तो एक चीज लास्ट टाइम भी भूल गई थी और मैं इस बार भी भूल रही हूँ, पर इस बार मैं नहीं भूलने दूंगी अपने आप को। चलो देखते हैं, क्या पता हमें उसका आंसर मिस्ट्री बॉक्स में मिल जाए। ये तो फिर से नहीं खोल रहा, क्या आपको याद है इसका की पासवर्ड क्या था इसे खोलने का? हाँ याद दिला रहे हो आप मुझे, हाँ सही बोलो, जल्दी बताओ, पूरा बताओ, पूरा बताओ। वाह, मुझे मेरा की पासवर्ड पता चल गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा मिस्ट्री बॉक्स खुल गया खुल गया खुल गया। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओ वाओ, ये देखो हमें क्या मिला, बेल। टिंग 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 टिंग, बी फॉर बेल।
बेल यूज होती है जब हम किसी के घर जाते हैं, पहले हम टिंगी निंगी 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 करके बजाते हैं ताकि वो डोर ओपन कर दे, फिर हम अंदर जा सके। और एक बेल होती है जो स्कूल में हमारी छुट्टी होने पर बजती है, टिन निन 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 निन, फिर हम लंच भी खाते हैं और हमारी छुट्टी भी हो जाती है थोड़ी देर बाद। और बेल को हम भोग लगाने के लिए यूज करते हैं, जब कृष्णा को हम भोग लगाते हैं तब आइस क्लोज करके घंटी बजाते हैं और मंत्र बोलते हैं ताकि कृष्णा से खा ले। जब तक भोग लग रहा है तब तक मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, वो भी बेल्स की स्टोरी, और उसमें कृष्णा भी है स्टोरी के अंदर। स्टोरी टाइम। आपको तो पता ही है कृष्णा बहुत बड़े बटर थीफ है। बी फॉर बटर, बी यू टी टी ई आर, बटर, यम्मी यम्मी बटर। एक दिन गोपियां कृष्णा से बहुत परेशान हो गई थी उनकी चोरी करने के कारण। चोरी, आप लोगों को चोरी नहीं करनी है, ना मुझे चोरी करनी है, हम सबको चोरी नहीं करनी है, सिर्फ कृष्णा कर सकते हैं क्योंकि वो तो भगवान है ना, इसलिए सिर्फ कृष्णा चोरी कर सकते हैं, हमने नहीं करनी चोरी। एक दिन गोपियों ने सोचा कि आज तो हम कृष्णा को पकड़ के ही रहेंगे, तो उन्होंने सब मटकियों पे लगा दी बेल्स, ताकि जैसे ही कृष्णा मटके को छुए वो टिंगी 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 करके बजने लग जाए। और उस दिन ना गोपियों ने ना कोई डोर को ताला लगाया था, ना कोई विंडो बंद की थी, नहीं तो वो हमेशा बंद करते थे ताकि कृष्णा चोरी ना कर पाए, पर आज तो उन्होंने सब खुला छोड़ा था ताकि कृष्णा चोरी करे। और ना कृष्णा जब आए तो वो तो बहुत भी खुश थे कि आज तो चोरी करना बहुत ही आसान है। तो वो अंदर गए तो उन्होंने सोचा इतना आसान कैसे हो सकता है चोरी करना, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हुआ है। तो उन्होंने देखा मटकियों पे बेल्स लगी हुई हैं, तो उन्होंने बेल्स को बोला, बेल्स बजना नहीं है नहीं तो गोपियां मुझे पकड़ लेंगी। बेल्स ने कहा, ओके कृष्णा हम नहीं बजेंगे, क्योंकि बेल्स तो कृष्णा के डिवोटीज थे और डिवोटीज कृष्णा की हर बात मानते हैं। तो कृष्णा ने जैसी मटकी उतारी बेल्स नहीं बजी। उसके बाद कृष्णा ने अपने हाथों से अपने फ्रेंड्स को खिलाया तो भी घंटी नहीं बजी। फिर कृष्णा ने अपने पूंछ वाले फ्रेंड्स को बुलाया, आओ 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 करके बुलाया उन्हें, और वो ऐसे करते करते आ गए। फिर कृष्णा ने उन्हें भी ऐसे ऐसे अपने हाथों से खिलाया, फिर भी बेल नहीं बजी। और जैसे कृष्णा ने ऐसे करके किया वैसे सारी बेल्स बजने लग गई। तो कृष्णा ने उन्हें कहा, तुम क्यों बजे क्यों बजे, मैंने तो तुम्हें बजने से मना किया था, अब गोपियां हमें पकड़ लेंगी। तो बेल्स ने कहा, कृष्णा पर जब आप भोग लगाते हो तब तो हमें बजना ही होता है, वो तो हमारी सेवा है, आप ही ने तो हमें ये सेवा दी है, अब आप हमें ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो एक अचानक से गोपियां आ जाती है और कृष्णा डर जाते हैं और उनके सारे फ्रेंड्स सब डर जाते हैं और वो सब इधर उधर भागते हैं और वो आखिरकार बच जाते हैं। तो अच्छी लगी ना स्टोरी, अच्छी है ना बहुत ये स्टोरी कृष्णा की, प्यारी प्यारी नट्ठी नट्ठी खट्टी खट वाली स्टोरी। तो चलो अब भोग लग गया होगा, भोग उठा लेते हैं। भोग निकालते समय भी बेल बजानी चाहिए। यम्मी यम्मी बनानास हम खाएंगे, जगन्नाथ एक बनाना आपके लिए। सो लेट्स रिवाइज व्हाट वी लर्नड टुडे। बी फॉर बॉल, बी ए एल एल बॉल, बी फॉर बॉय, बी ओ वाई बॉय, बी फॉर बैग, बी A G, B for balloon, B A L L O O N, balloon, B for bell, B E L L
बनाना, बी ए एन ए एन ए बनाना। Now again we are in Gurukul's classroom. So today we will learn how to write letter B. But have you practiced letter A? Oh no, some of you haven't practiced and some of you have practiced it. So when you will practice letter B, at that time you can also practice letter A. But if you don't practice it, you will say, I forgot how to write letter A. So practice it every day. Writing letters is so much fun. Hurry up, go bring your notebook, pencil and eraser. Go fast. I will count till 3. 1, 2, 3. All set. Look here, this is capital B, mama B. This is lowercase b, baby B. Oh, B for baby. I am writing on a board. B for board. So let's see what's there in letter B. There is a standing line. Is there a slanting line? No, there's not a slanting line. Is there a sleeping line? No, there's not even a sleeping line. Let's see. Yes, there are wriggle wiggle curves. So let's start writing. There are 4 lines in your English notebook. Red, blue, and one more blue line, and then again a red line. So first, we will go on the first red line and draw a standing line till the second blue line. And then we will draw a curve from the first red line till the first blue line. And then again a curve from the first blue line till the second blue line. Don't make big, big curves. Let's write it once more. Go on your first red line and draw a standing line till your second blue line. And then a curve from the first red line till the first blue line. And then one more curve from the first blue line till the second blue line. Look, Mama Bee is so happy because we learned how to write Mama Bee. Yay! Baby Bee is waiting. So let's learn how to write Baby Bee. In Mama Bee, we use one standing line and 2 curves. Now in Baby Bee, we will use one standing line and one curve. So let's start writing. We will go on our first red line, draw a standing line till the second blue line, and then a curve from the first blue line till the second blue line. Make sure don't make the curve on the first red line till the first blue line. My dear little friends, don't make the curves on this side or it will be wrong. So let's practice it once more. Come on your first red line and draw a standing line till the second blue line. And then a curve from the first blue line till the second blue line. Now Baby V is also very happy. Now we have learned how to write Mama B and Baby B. Keep practicing and watch my next video about letter C. And don't forget to like, share.
शेयर एंड सब्सक्राइब। बाल गोपाल देखो गुरुकुल बनो सुपर कूल। बाय बाय। हम देखेंगे परंपरा, हम सीखेंगे।